पिछले साल रिलीज हुई एनिमल फिल्म में अबरार हक का किरदार निभाने वाले बॉबी देओल के सितारे आज बुलंदियों को छू रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि तमाम निर्माता निर्देशक उन पर खुलकर पैसा भी लगाना चाह रहे हैं। तीन साउथ की फिल्मों के अलावा अब एक और फिल्म बॉबी देओल की झोली में आती हुई नजर आ रही है और इस फिल्म में वो बॉलीवुड के चौथे खान यानी सैफ अली खान से दो दो हाथ करने वाले हैं। सैफ अली खान के साथ उनके एक नए प्रोजेक्ट की जानकारी सामने आई जिसमें वो सैफ अली खान को करारी शिकस्त देते हुए नजर आने वाले हैं और इस फिल्म को लेकर जो खबर आई है उसे जानने व सुनने के बाद बॉबी देओल के चाहने वाले खुशी से उछल पड़ेंगे। अब एनिमल के बाद उनकी लोकप्रियता में गजब का इजाफा देखने को मिला और यही वो फिल्म थी जिस फिल्म को करने के बाद बॉबी देओल के सितारे बुलंदियों को छूते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से प्यार मिला और वो काफी ज्यादा खुश भी हुए और इसी बीच उनके आगामी प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि बॉबी देओल जल्द ही प्रियदर्शन की फिल्म में नजर आ सकते हैं जिस फिल्म के लीड हीरो होंगे सैफ अली खान और इस फिल्म में बॉबी देओल एक बार फिर से अपनी खलनायकी का दमखम दिखाने वाले हैं, यानी वो इस बार भी फिल्म में बतौर खलनायकी जुड़ने वाले हैं। मीडिया में खबरों के अनुसार बताया गया है कि बॉबी देओल को फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि बॉबी ने कुछ हफ्ते पहले इस फिल्म के कंसेप्ट को भी सुना था और इसमें काम करने में अपनी रुचि भी दिखाई थी। एक अन्य मीडिया रिपोर्ट में करीबी सूत्र के हवाले से बताया गया है कि बॉबी को कुछ भी सुना गया है वो बहुत ज्यादा पसंद भी आया उन्हें और उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए अपनी हामी भी भर ली है। विशेष रूप से उन्हें अपने किरदार और उसके आसपास की उतार चढ़ाव भरी कहानी काफी प्रभावित लगी है और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भले उनका किरदार खलनायक का हो लेकिन यह सैफ के समांतर लीड रोल होने वाला है, यानी वो इस फिल्म में उन्हें बीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी बताया जा रहा है कि बॉबी देओल की डेट डायरी अगले 6 महीनों के लिए ब्लॉक है। हालांकि उन्होंने ये देखने के लिए कुछ हफ्ते अलग रखे हैं कि क्या वो इस थ्रिलर के लिए प्रियदर्शन को 30 दिन आवंटित कर सकते हैं या फिर नहीं। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस स्क्रिप्ट से काफी ज्यादा वो प्रभावित हुए हैं और वो इसमें काम करने के लिए अतिरिक्त प्रयास भी कर रहे हैं। इस फिल्म में सैफ अली खान को एक अंधे व्यक्ति की भूमिका निभाने की पेशकश की गई है और अभिनेता ने भी कथित तौर पर भूमिका निभाने में अपनी रुचि भी दिखाई है। कुमार के साथ कॉमेडी से पहले प्रियदर्शन की यह थ्रिलर शुरू होगी और मेकर्स फिल्म को अगले साल यानी 2025 में सिनेमाघरों में लाने की योजनाएं बना रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि बॉबी देओल एनिमल फिल्म के हिट हो जाने के बाद एक बार फिर से वो खलनायक वाली भूमिका बड़े पर्दे पर निभाने वाले हैं और सैफ अली खान के साथ उनका दो दो हाथ भी फिल्म में होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि मौजूदा समय में बॉबी देओल के पास ढेरों सारी फिल्मों की लिस्ट है। 3 बड़ी फिल्में शामिल हैं कंगवा और हरिहरा वीरामल्लू समेत वो NBK 109 में भी नजर आने वाले हैं जो कि साउथ की 3 बड़ी फिल्में। इसके अलावा एक बार फिर से वो बॉलीवुड की एक और दमदार फिल्म में बतौर खलनायक जुड़ने वाले हैं जिस फिल्म के लीड होंगे सैफ अली खान और इस फिल्म बतौर खलनायक बॉबी देओल नजर आने वाले हैं।